नंबर दो, ये समझना कि जो बुरा हुआ है उसमें कोई भलाई हो सकती है और होती भी है। अल्लाह ताला हमको सब बताए जरूरी है। हमको क्यों बताए अल्लाह? अल्लाह कभी नहीं भी बताता है, लेकिन कभी एक चीज बुरी होती है उसमें कोई भलाई भी होती है जो हमको नहीं मालूम होती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फअसा अन तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। कहा कि बहुत मुमकिन है किसी चीज को तुम नापसंद करो लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई रख दी हो, ऐसा हो सकता है? सूरह निसा आयत नंबर 19, कितना बड़ा फैक्ट है ये। एक इंसान जिंदगी में जो उसके साथ बुरा होता है, अगर सिर्फ ये सोचे कि ठीक है मुझको बुरा लग रहा है लेकिन इसमें मेरी कुछ भलाई होगी, अगर ये सोचे तो दिल हल्का हो जाता है। मसलन एक आदमी है, और ऐसा हुआ है, एक गांव में कुछ लोग सफर में जाने वाले थे। गांव का बड़ा जो होता है उसने कहा टिकट लाओ तुम्हारे बस के, मत जाओ तुम लोग, टिकट नहीं मिल रहा है। फुलां को बिठा के भेज दिया, कहा तू जा, उनको नहीं भेजा। उनको जाना था, रिश्तेदारों से मिलना था, काम था, लेकिन जो उनका जो भी मालिक था या जो भी गांव का चौधरी था उसने कहा नहीं तुम मत जाओ, ये जाएगा, उसको भेज दिया बस में बिठा के। अब वो लोग अफसोस करने लगे, नाराज होने लगे, गुस्सा होने लगे कि अच्छा खासा हम लोग जा रहे थे, इसने रोक दिया हमको। लेकिन बाद में पता चला कि उस बस का एक्सीडेंट हुआ, ये एक्चुअल केस है ये। और यानी एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया जो गया था। अब ये खुश हो गए, देखो अच्छा हुआ हम लोग नहीं गए, पहले क्या बोल रहे थे जाना था हमको, देखो कितना हमारा जो बड़ा है कैसा आदमी जालिम है। लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, अल्लाह का एहसान है हम लोग गए होते तो क्या होता, जो सीट थी वहीं से टक्कर मारी थी गाड़ी, जहां उनकी सीट थी वो पूरा हिस्सा गायब, पूरा हिस्सा टकरा के पूरी गाड़ी खराब हो गई थी, और सारा जो लोग हैं उसमें खास तौर से जहां वो यानी ड्राइवर की सीट के बाजू में जगह मिलती है वो पूरा जो है सब खराब हो गया था। आदमी बाज़ औक़ात सोचता है ये बुरा है लेकिन उसको नहीं मालूम होता है कि वो उसके लिए फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है। क्यों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने नहीं पढ़े? बाप से दूर हुए, बुरा हुआ क्या? अच्छा बुरा, कुएं में फेंके, कुएं में से लोगों ने निकाला, खरीद बेचा जाके बाजार में। अल्लाह का नबी है, नबी की औलाद है, खूबसूरत है दुनिया का सबसे इंसान, लेकिन उसको बेचा जा रहा है कम कीमत में। अच्छा है ये? नहीं, एक आजाद को बेचा जा रहा है गुलाम बना के। अजीज मिस्र के घर में गए, औरत का दिल आया, तोहमत लगी, जेल में गए। अच्छा है, कौन तोहमत पसंद करता है, कौन जेल में जाना पसंद करता है? लेकिन आप देखिए ये सब फेलियर आप उसको कहेंगे, लेकिन वो फेलियर नहीं है, वो इनकन्वीनियंसेस हैं। नाकामी और तकलीफ में फर्क होता है, हम तकलीफ को नाकामी समझते हैं। एक के बाद एक मुसीबत मुसीबत मुसीबत, लेकिन जब जेल में गए तो क्या हुआ, ख्वाब दो लोगों ने देखा, इन्होंने ताबीर बयान की। एक उनमें का निकल के बादशाह के पास गया और उसने बताया, बादशाह को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और ख्वाब की ताबीर कोई नहीं बता रहा है, इनके पास ताबीर। उसने कहा एक आदमी बताऊं मैं ताबीर बताएगा, सही ताबीर बताएगा, एकदम मेरी भी बताया था उसने, उसने बराबर बताया। और ऐसी पोजीशन में आए कि फिर बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताया और कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, मुझे अपने खजानों के ऊपर तुम जिम्मेदार बनाओ, पूरे मुल्क के हुकूमत के खजाने इनके हाथ में। अगर कुएं में नहीं जाते तो वहां तक पहुंचते? आप सोचिए। लेकिन अल्लाह ताला बाज़ औकात नेक बंदों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी मुसीबत में डालता है, लेकिन उन मुसीबतों को उसकी तरक्की का उसके लिए जीना और सीढ़ी बनाता है। इसको मालूम होता है वो नहीं, कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ताला बाज़ नाकामियों को कामयाबी की सीढ़ी बनाता है। बंदे को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। बंदे को बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आदमी छोटी सी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बताता अच्छा हुआ है ये नहीं है, छोटी तकलीफ, दूसरी तकलीफ हो सकती थी, तुमको जल्दी से इलाज करो, अगर नहीं चेकअप करते तुमको तकलीफ बढ़ जाती, बहुत बाद में आते मरते। बोलता अच्छा हुआ अल्लाह के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया, ये तकलीफ नहीं होती, बड़ी तकलीफ मालूम नहीं पड़ती। कितने केसेस है, हजारों लाखों केसेस है।
बर वक्त मालूम पड़ा, इलाज शुरू कर दिया, अच्छा भी हो गया। छोटी तकलीफें बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ों से बचने का ज़रिया बनती हैं। छोटी तकलीफ़ें एक के बाद एक, बल्कि बड़ी तकलीफ़ें भी एक इंसान के लिए किसी तरक्की और कामयाबी का जीना बनती है। आदमी के पास अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आदमी सोचे मेरे साथ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, मालूम नहीं इसमें कुछ भलाई हो जो मुझको नहीं मालूम। अल्लाह जानता है, वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। ये एतमाद रखें, तकलीफ हल्की हो जाती है, अंदर से सुकून महसूस होता, कुछ तो अच्छा होगा इसके अंदर, इसके अंदर कुछ तो अच्छा होगा। तो ये एक चीज है जो यानी माजी की जो नुकसानात है वो एक इंसान को गमगीन करते हैं, परेशान करते हैं।